हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा रेगुलर एक वीडियोस आ रहा है जो कि बेस्ड है आपके रिड्यूस्ड सिलेबस को लेकर के। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स जो जो सब्जेक्ट से डिलीट हुए हैं उन सभी के ऊपर मैं हर दिन एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव्ड हुए हैं उन सभी को मैं डिटेल्ड में आपको बता रहा हूँ। गाइज, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप कंटिन्यू इन सारे वीडियोज़ को देख रहे होंगे। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो है हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। और आज जो है, सबसे पहले आप ये जानो कि सोशल साइंस का जो आपका कोड है, पेपर कोड है, वो क्या है। योर पेपर कोड इज़ 087। ठीक है, कोड क्या है? 087 है। और मैं जो भी यहाँ पे बात करूँगा वो आपके डिलीटेड पोर्शंस होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया है यूनिट 1, और जैसे कि आपको पता है दैट एसएसटी में आपका सोशल साइंस में आपका 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यूनिट फर्स्ट जो है हिस्ट्री है, यूनिट सेकंड जो है वो आपका ज्योग्राफी है, एंड यूनिट थर्ड जो है वो सिविक्स है, यानी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो यूनिट 1 की मैं बात करूँ तो यूनिट 1 में जो आपका चैप्टर 3 है, ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और चैप्टर जो 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें से कोई एक चैप्टर को हटाया गया है, डिलीट किया गया है, वो आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि आप ऐसा समझो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोनों चैप्टर से आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो और में करके दिए रहेंगे। तो कोई आप एक चैप्टर पे पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है दैट एनी वन आउट ऑफ दीज टू चैप्टर विच इज़ 3 एंड 4, एंड यहाँ पे एक सेकेंड नोट है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन द बोर्ड एग्जाम। यानी कि जो यहाँ पे जो चैप्टर सेलेक्ट किया गया है वो आपको पीरियोडिक टेस्ट के असेसमेंट में ये चैप्टर्स होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्लियर कट जो नोटिस था CBSE के द्वारा, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, वो मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर 5 की मैं बात करूँ, चैप्टर 5 है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से पूरा चैप्टर जो है इसमें हटा दिया गया है। तो SST के हिस्ट्री की मैं बात करूँ गाइज, तो हिस्ट्री में जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, चैप्टर 3, 4 एंड 5 जो है आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसमें से कोई एक चैप्टर आप करके जाइएगा, हो सकता है, ऐसे तो आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप एक चैप्टर याद करके जाओगे तो हो सकता है उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आप उनको कर पाओ। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने यूनिट 2 की ओर और देखते हैं कि उनमें कौन कौन से चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, जो कि है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, विच इज़ अप ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में बेसिकली 3 चैप्टर को रिमूव किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊँगा क्या। देखिए, सबसे पहले चैप्टर 2 जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 3 जो है आपका वाटर रिसोर्सेज, इसको भी हटा दिया गया है, लेकिन देर इज़ अ नोट जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। यानी कि आपको वाटर रिसोर्सेज चैप्टर्स जो है वो तो भाई डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, लेकिन सारा कुछ नहीं, उसमें जो भी मैप आइटम्स होंगे, जो भी आपके इस चैप्टर में मैप दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 5 विच इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और इसमें से अगर मैं बात करूँ तो ये भी पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव किया गया है, बट आपको मैप आइटम्स इसमें भी पढ़ के जाने हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से भी मैप जो भी चीज़ें होंगे, मैप के जो भी क्वेश्चन होंगे, मैप रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा ज्योग्राफी के बारे में, और अब हम लोग चलते हैं यूनिट 3 विच इज़ पॉलिटिकल साइंस, और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 3 है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी बोलते हो। ठीक है, और इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम से रिमूव कर दिया गया है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आता है चैप्टर 3 विच इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, यानी आपको अब ये चैप्टर जो है वो पढ़ के नहीं जाने हैं, लेकिन अगर आप नॉलेज बेस्ड पढ़ाई चाहते हो, ठीक है, तो भाई आप पढ़ के जाओ, ठीक है, पढ़ो, ठीक है, चीज़ों को पढ़ो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। मार्क्स बेस्ड
पढ़ाई जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई जो है हमेशा आपको नॉलेज बेस्ड ही रखना पड़ेगा, बिकॉज नॉलेज इज़ विजडम, ठीक है, कहा गया है। चलिए चैप्टर फोर की मैं बात करूँ तो चैप्टर फोर जो है यहाँ पर वो भी हटा दिया गया है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है, इसको भी हटा दिया गया है और पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। यानी कि कुछ पार्ट को ऐसा नहीं है, कुछ पार्ट इसमें से आएगा एग्जाम में, वो नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। चैप्टर फाइव भी हटा दिया गया है, विच इज़ पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है गाइज। और चैप्टर जो एट है आपका चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये था सोशल साइंस के बारे में, यानी आज हम लोगों ने सोशल साइंस सब्जेक्ट्स को देखा है और इसके जो भी यूनिट्स थे, इनके जो भी डिलीटेड चैप्टर्स थे, उन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइज इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहें, रेगुलर वीडियोज़ आएगा और आप रेगुलर इन सारे वीडियोज़ को देखें। और अगर आपका कोई सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो या कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको मैं ज़रूर एक बार रिव्यू करूँगा, ठीक है। और आपके जो भी क्वेरीज़ होंगे उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।